का दिन आज माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान, माँ की पूजा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन के साथ ही होता है दिव्य सुगंधियों का अनुभव। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र की कोर्ट में पेशी, आज परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग, रिमांड को लेकर धीरेन्द्र सिंह से होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश में महिला मंत्री के अपमान से नाराज शिवराज, आज करेंगे मौन व्रत, कमलनाथ की सफाई, मैं भी आइटम। बिहार चुनाव के रण में सीएम नीतीश की आज 5 रैली, गया में 3 जगहों पर करेंगे रैली, तो औरंगाबाद और जहानाबाद में भी सभा को करेंगे संबोधित। लाहौर सिंह फेस्ट कार्यक्रम में शशि थरूर का विवादित बयान, कहा कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिमों को बनाया निशाना, वहीं बीजेपी ने कहा थरूर ने भारत का मजाक बनाया। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह बेहाल, तेज बारिश की वजह से लबालब भरी बालापुर झील का बांध भी टूटा, जिस वजह से कई इलाके में पानी भर गया, कई आवासीय इलाकों में तो बाढ़ के हालात बन गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने वाला है, सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार नया नियम लागू करने वाली है, 1 नवंबर से देश की 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए 1 टाइम पासवर्ड अनिवार्य हो जाएगा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, अब तक 4 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित, इनमें से 11 लाख लोगों की गई जान, वहीं 3 करोड़ मरीज हो चुके हैं ठीक। वहीं सरकार की ओर से नियुक्त वैज्ञानिक कमेटी के अनुसार भारत में कोरोना चरम को पार कर गया है, मौजूदा सावधानी और उपाय बरते गए तो फरवरी 2021 में कोरोना के समाप्त होने की संभावना है, तब तक संक्रमण की कुल संख्या लगभग 10.5 मिलियन होगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 7 महीने के बाद माध्यमिक शिक्षा के स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं, वहीं पंजाब के अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा भी बहाल हो गई है, अत्यधिक सावधानी के साथ ही सर्जरी की भी इजाजत दी गई है। खिलाड़ियों के लिए सीएम का बड़ा तोहफा, 13 खिलाड़ियों को 25-25 बीघा जमीन मिलेगी, मेडल जीतने वाले 5 खिलाड़ियों को मिलेगा निःशुल्क जमीन, 8 खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का फैसला। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तबियत खराब, एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में कराया गया भर्ती, कोरोना जांच रिपोर्ट भी बताई जा रही पॉजिटिव। फरवरी में हो सकती है रीट परीक्षा, नवंबर में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का रास्ता होगा साफ। दबंगों से परेशान करौली जिले के एक पुजारी ने दी आत्महत्या की चेतावनी, कहा पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई, दबंगों ने किया जमीन से बेदखल। जयपुर में वैशाली नगर डिपो का टाइम कीपर गिरफ्तार, एसीबी ने दिनेश कुमार को 3,000 की रिश्वत लेते पकड़ा, चालान के मामले को रफा दफा करने के लिए मांगी घूस। अजमेर के किशनगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, युवक की मौके पर हुई मौत, मुख्य चौराहा बालाजी मंदिर की घटना, बदमाशों की तलाश जारी, मृतक का बहुचर्चित भंवर सिनोदिया हत्याकांड का चश्मदीद गवाह। जयपुर के शिप्रापत में हुई बैंक लूट वारदात का खुलासा, पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा, गार्ड को गोली मारकर लूटे गए थे 31,50,000 रुपए। अस्पताल बन रहे बंदियों के फरार होने का जरिया, धौलपुर में अस्पताल के बंदी वार्ड में क्वारंटीन 4 कैदी दीवार तोड़कर हुए फरार, तो बूंदी जिला अस्पताल से भी कैदी हुए रफ चक्कर। नागौर के कुचामन में युवक ने पिस्टल से खुद की गोली मारी, युवक की मौके पर ही हुई मौत, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा मामला। जोधपुर के मंडोर एरिया में जीरा फैक्ट्री में लगी आग, 70 लाख का नुकसान, कोई जनहानि नहीं। जैसलमेर के सांकड़ा में पति ने ही की पत्नी की हत्या, पत्नी ने की पति की हत्या, आरोपी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज, कारण का नहीं चला पता। कैलाश की दहाड़ शांत, जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से फिर दुखद खबर, पोस्टमार्टम के बाद हुआ बब्बर शेर का अंतिम संस्कार, पिछले 1 साल में 6 बिग कैट्स की हो चुकी मौत। उदयपुर जिले में वोरवाली मादड़ी के जंगल में भाई बहन पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हुई और लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जानकारी के अनुसार दोनों जंगल में बकरियां चुराने गए थे। प्रतापगढ़ जिले के कल्याणपुरा गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल, जिसका जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। आईपीएल के इतिहास में सुपर ओवर का बना अनोखा रिकॉर्ड, 2 सुपर ओवर खेलकर पंजाब ने मुंबई को दी मौत, तो दिन वाले मैच में कोलकाता ने भी सुपर ओवर में हैदराबाद को हराया।